गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बैंगन की फसल के लिए होममेड फर्टिलाइज़र बताती हूँ, जिससे आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग होगी। क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और इनके अंदर पतझड़ आने वाला है। बैंगन की ब्रिंजाल की जो वेजिटेबल होती है इसके अंदर, तो आपको इसके लिए थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है देख रेख की। इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपकी फसल है ख़राब नहीं हो और इसमें पतझड़ न आए, अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग हो। तो उसके लिए आपको मैं होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर दिखा रही हूँ। वो आप आसानी से नाम मात्र के रुपयों के अंदर या समझिए फ्री के अंदर भी इसको बना सकते हो, यदि आपके पास अवेलेबल है जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ वो। तो आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हो और इसके अंदर है अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हो। क्योंकि अब इनकी सीज़न है ऑफ होने वाली है, और ऑफ होती टाइम होती है उस टाइम इनका भाव भी अच्छा रहता है। तो भाव अच्छा लेने के लिए आपको चाहिए इसकी केयर अच्छे से करना। उसके लिए चाहिए आपको लस्सी और मस्टर्ड केक, जिसको बोला जाता है खल, सरसों की खली होती है जो पशुओं का आहार होती है। उसके लिए लगभग गांव के अंदर जो पशु रखते हैं उनके पास अवेलेबल होती है, और नहीं है तो आप मार्केट से इसको आसानी से खरीद सकते हो। तो उसको आप ले सकते हो कोई भी मिट्टी का पॉट, लगभग 15-20 लीटर का, जितना भी हो आपके पास उतना ले सकते हो, या कोई भी प्लास्टिक का ड्रम ले सकते हो। स्टील वगैरह का बर्तन नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आपका कोई भी नहीं है ऑप्शन तो आप लोहे का ले सकते हो, जो आप उसको यूज नहीं कर रहे हो ऐसा। क्योंकि स्टील का है वो, इससे बर्तन है ख़राब हो जाता है, उसमें छेद हो जाते हैं, ख़राब हो जाता है, तो वो नहीं लेना चाहिए। और आपको लेनी चाहिए वैसे जितनी वेजिटेबल है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैं ले रही हूँ 1.5 kg ये मस्टर्ड केक है, और लगभग आप ये पूरा नहीं लोगे तो अच्छा होगा, है ताज़ा होती है तो ये थोड़ी ज़्यादा कड़वी होती है, और फसल में डायरेक्ट यदि आप एक दिन में अप्लाई करोगे तो फसल को जला सकती है। तो यदि नई ताज़ा निकलवाई हुई है तो इसको 3 दिन तक कम से कम भिगो कर रखना चाहिए। और ये ले रही हूँ मैं लस्सी, ये लस्सी है, आप यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा ले सकते हो, वरना कम से कम 1.5 kg तो इसके बराबर तो लेनी चाहिए। और ज़्यादा यदि आपके पास है तो आप इसको 3 kg भी ले सकते हो, 3 लीटर ले सकते हो। और नहीं है तो इसके अंदर पानी मिला सकते हो, इसको अच्छे से फुल कर देना चाहिए, पूरा फिल हो जाएगा आपका जो भी बर्तन लिया है वो। तो ये बीने में फर्टिलाइज़र बनने में बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे से ये मेल्ट हो पाएगी, और जितनी ये पतली हो पाएगी उतनी आप इसको छान कर आसानी से अप्लाई कर सकते हो फसल के लिए अंदर। तो मेरे पास ये थोड़ी कम है तो इसमें थोड़ा पानी अप्लाई कर रही हूँ, और जैसे ये 1-2 दिन तक इसको रखूँगी तो और लस्सी बच जाएगी घर में, तो वो डाल दूँगी जिससे पूरा फिल हो जाएगा मटका। और इसका मुंह बांध कर लगभग आप इसको, ज़्यादा जल्दी हो तो 3 दिन, नहीं तो 5 दिन रखोगे तो अच्छी खट्टी हो जाएगी लस्सी भी, और ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगी। तो इसका मुंह बांध कर मैं रख रही हूँ, और फिर 5 दिन बाद ही खाती हूँ इसको। आप कैसे बनकर रेडी होती है और फिर इसको अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और फसल में कैसी भी फसल आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपके गार्डन में प्लांट उनमें भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इससे पौधों में अच्छी ग्रीननेस आती है और अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी फ्रूटिंग होती है, या फल लगे हुए हैं तो फलों की साइज अच्छी हो जाती है और पक भी जल्दी जाते हैं। तो ये आप किसी भी फसल में, किसी भी प्लांट में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको बैंगन की फसल के लिए तैयार किया मैंने, और उसी के अंदर अप्लाई कर रही हूँ, और ये दिखा रही हूँ मैं 5 दिन बाद इस तरह से बनकर, और ये रेडी हो गया है। इसका कलर देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो चुका है, और इसको घोल कर और फिर छानूंगी मैं, जिससे इसका जो भी लिक्विड पदार्थ है वो निकल जाएगा, और जो गाढ़ा पेस्ट है वो भी पौधों में अप्लाई करने के लिए अलग से छान कर रख लूँगी। मैं इसको अप्लाई करके देख रही हूँ छान कर, इसी जो चुनड़ी लुगड़ी होती हैं ओढ़ने होते हैं, तो ओढ़ने के अंदर इसको छान कर देख रही हूँ छनता है तो, नहीं तो फिर छलनी की सहायता से छानूंगी इसको। अच्छे से डंडे की मदद से हिलाकर घोल लेना चाहिए, जिससे पूरा शेम हो जाए, कहीं नीचे गाढ़ा न रहे। और फिर यदि गाढ़ा ज़्यादा पेस्ट रह जाता है तो इसके अंदर आप
पानी डालकर और इसको पतला करके छान सकते हो, क्योंकि ये ऐसा पेस्ट बन जाता है जो पानी अलग से छानना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसको मैं इस तरह से छानने की कोशिश करूँ, छन जाता है तो अच्छा है। आप कोई भी जो पतले ओढ़ने होते हैं वैसा ओढ़ना ले सकते हो। इसको छानने के लिए कम से कम 2 जने चाहिए जो एक इस ओढ़ने को पकड़ सके, वरना ये खिसक कर और इस तरह से जा रहा है। तो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ, छन जाता है तो अच्छा है, ये छनना थोड़ा मुश्किल हो रखा है। तो इसमें नहीं छन रहा है तो आप छलनी ले सकते हो और उसकी सहायता से छान सकते हो। ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट है तो इसमें थोड़ा और पानी मिलाकर और फिर छान सकते हो इसको, ओढ़ने से नहीं छनता है तो। और जो छन जाए और उसके बाद ऊपर जो ये इस तरह का मटेरियल रह जाएगा गाढ़ा पेस्ट, उसको आप पौधों की जड़ों में वैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो फर्टिलाइज़र के रूप में। जैसे आपके ये गार्डन में पौधे लगे हुए हैं, गुलाब है, गुड़हल है, मोगरा, जो भी कोई प्लांट है, सदाबहार है, इस तरह के प्लांट, तो आप उनके अंदर इसको डाल सकते हो। तो मैं जो लिक्विड पदार्थ रेडी हो रहा है, छन कर नीचे जा रहा है, उसको मैं जो स्प्रे मशीन होती है उसकी मदद से बैंगन की फसल के अंदर अप्लाई करूँगी। और जो साइड में गाढ़ा पेस्ट रेडी हो रहा है उसको है मैं जो मेरी बागवानी कर रखी है उसके अंदर अप्लाई करूँगी। तो आप फ्रूटिंग के, फ्लावरिंग के कोई भी प्लांट है, सब किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसको छानना थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसे नहीं छानूंगी मैं, छलनी की सहायता से छानूंगी, क्योंकि पकड़ने वाला भी नहीं है फिलहाल मेरे पास कोई तो इसको पकड़ सके। तो इसको इस तरह से छान कर और फिर इसको मैं अप्लाई करूँगी। इसके अंदर है ये लस्सी डालने से पौधों में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, और ये 3-4 दिन इसके साथ रहता है। तो इसमें सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, जितने भी पौधों को ज़रूरत होती है, तो ये दोनों मिक्स होकर और अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाता है। पौधे की जितनी ज़रूरत होती है, जितने न्यूट्रिएंट्स की, वो सभी इसके अंदर तैयार रहते हैं। इस तरह से रखने से तो आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और सर्दियों के अंदर है, वैसे भी पौधों को थोड़े फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें हीट की ज़रूरत होती है, तो ये गर्म तासीर का फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होता है। इसे ये 4-5 दिन रखने से अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है, जिससे पौधे सर्दी के अंदर भी बचे रहेंगे, जलेंगे नहीं, ज़्यादा ठंडी होगी उस टाइम। तो अभी से इन पौधों को रेडी कर लीजिए, जिससे आपके पौधे हैं आगे चलकर और फिर जले नहीं। तो ये मैंने छान लिया है और जो छना हुआ पानी है वो अभी मैं और दिया इस स्प्रे मशीन के अंदर है, मैं इसको भर दूंगी और फिर है इसको चलाकर और फिर जो भी फसल हो उसके अंदर चढ़ा सकती हूँ। तो मैं बैंगन की फसल के अंदर इसको अप्लाई कर रही हूँ, तो इसको कनेक्ट कर देती हूँ। पहले इसको भर लेती हूँ जो भी मेरे पास जितना है, तो जितना मेरे पास ये छना हुआ मटेरियल है उसके बराबर में इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ये मेरी 15 लीटर की है, तो करीब ये 7 लीटर के करीब मेरे पास से बना हुआ लिक्विड है, तो इतना ही मैं इसके अंदर है ये ले लूँगी पानी। और पानी फिल करने के बाद है इसको चलाकर और फिर अप्लाई कर दूँगी। पूरे जितने प्लांट हैं सभी के अंदर है, समान मात्रा में चला जाएगा ये। इस छलने की सहायता से छानते हैं तो कोई भी थोड़ा और गाढ़ा पेस्ट है वो ऊपर बच जाता है और फिर फसल के अंदर है यह आसानी से चढ़ जाता है। ये चढ़ाने से अब देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कम हो रही है वैसे, तो ये चढ़ाने से पहले की तरह अच्छे से इसमें ग्रोथ भी होगी और अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो आप भी इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो किसी भी वेजिटेबल के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और अन्य किसी भी वेजिटेबल वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, या इस तरह से खेत में मल्चिंग बिछा कर बेड बनाकर ग्रो कर रखे आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। और डायरेक्ट जो ऊपर का बचा हुआ है उस मटेरियल को भी आप प्लांट की रूट में डाल सकते हो। जैसे पॉट में लगा रखे हैं उन पौधों की रूट के अंदर इसको अप्लाई करोगे तो वो पौधे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना और आप भी अपनी फसल की अच्छी केयर करना। मैंने जो इस बकेट में जो मटेरियल बचा था गाढ़ा पेस्ट, वो इन पौधों के रूट में वैसे डाल दिया है ऊपर से,
और आप भी इसको डाल सकते हो। मैंने इस बैंगन के पौधों में नहीं डाला है, मैंने आंवले के इनके जो पौधे थे गुलाब वगैरह के उनके अंदर इसको अप्लाई किया है। तो आप किसी भी पौधे में बचा हुआ जो